नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज जो है JOAIT का हाई कोर्ट के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसी की वीडियो हम लोग आपके पास लेके आए हैं। होप सो ये वीडियो आपको आने वाले एग्ज़ाम में काम आए और इससे कुछ आपकी हेल्प हो सके। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर किसी ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ऑन कर दें ताकि जितने भी पेपर से रिलेटेड वीडियो होती है या जॉब से रिलेटेड वीडियोस होती है वो आपके तक पहुंचते रहें। और हर प्रकार की PDF के लिए आप हमें हिम इंडिया एजुकेशन पेज सर्च करके Facebook पे फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेयर विल बी द समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन द ईयर 2021। तो दोस्तों, ये समर ओलंपिक्स 2021 की थी, ये जापान टोक्यो में हेल्ड होने जा रही थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुमो रेसलिंग इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री। सुमो रेसलिंग जो है किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है? तो ये दोस्तों जापान का है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। विच थर्ड क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज़ आल्सो नोन एज कीवी। तो जितने भी मेरे भाई और दोस्त क्रिकेट का मैच देखते हैं उनको सबको पता ही होगा कि कीवी जो है वो न्यूजीलैंड को बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबेरा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुर्रे एंड डार्लिंग रिवर्स फॉल इन विच कंट्री। मुर्रे और डार्लिंग रिवर्स किस देश में बहती हैं? तो ये दोनों जो है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, माउंट ब्लैंक माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। माउंट ब्लैंक जो है किस कॉन्टिनेंट के अंदर आती है? तो ये दोस्तों यूरोप के अंदर आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द सिटी ऑफ पॉप इज। सिटी ऑफ पॉप जो है दोस्तों किसे बोला जाता है? तो ये सिटी ऑफ पॉप जो है वो वेटिकन को बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में आपको क्लियर फोटो नहीं मिलेगी तो उसके लिए हम लोग आपको अभी से क्षमा मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले तो, द इनफेमस ड्रग पेडलर इल चैपो इज़ ऑफ विच नेशनैलिटी। तो दोस्तों, जो इल चैपो थे उनकी जो नेशनैलिटी थी वो मैक्सिको थी, वो मैक्सिको के रहने वाले थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, रिवर अमेजोन फॉलोज इन विच कंट्रीज। अमेजोन रिवर जो है वो किस कंट्री में फ्लो करती है? तो ये दोस्तों ब्राज़ील कंट्री में बहती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनैलिटी ऑफ डिएगो मैराडोना इज़। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, अर्जेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोस्कोप्ट। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO है अभी वो वर्तमान में कौन है? तो ये सत्य नदेला जी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ द ओनर ऑफ फेसबुक। तो जैसे कि आपको दोस्तों पता ही होगा, मार्क जुकरबर्ग जो है ये ओनर है फेसबुक के। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हु इज़ द ओनर ऑफ ट्विटर। ट्विटर के ओनर जो है दोस्तों ये जैक डोरसे हैं। तो इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हेडक्वार्टर सीट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज़ लोकेटेड एट। तो हेडक्वार्टर की बात करें अगर यूरोपियन यूनियन की, तो ये दोस्तों ब्रूसल में स्थित है। तो इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ अगर चलें, द नेशनल एम्बलम इज़ डिज़ाइन अडोप्टेड फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट। तो नेशनल एम्बलम जो है ताजमहल का वो कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, अशोक पिल्लर। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज़ द लॉर्ड ब्रह्मा जी टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया। लॉर्ड ब्रह्मा जी का टेम्पल इंडिया में, तो ये पुष्कर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन से कि JOA का एग्ज़ाम जो हाई कोर्ट का था वो किस लेवल तक गया है। इसका जो राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, 12। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो श्री जस्टिस एल नारायण स्वामी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द संस्कृति नेम ऑफ रिवर सतलुज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, शतारदू। क्वेश्चन नंबर 34,
चंद्र एंड भागा मीट एट ए विच प्लेस इन HP। तो ये दोस्तों चंद्र और भागा जो है ये तांडी में इकट्ठी होती है, मिलती है। क्वेश्चन नंबर 35, वेयर इज़ द त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड? तो ये उदयपुर में है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो लेवल है लो टू मॉडरेट ही रखा गया है पेपर का। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़े से ब्लर है दोस्तों, तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन को देखते हैं, 15 क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है। इन विच स्टेट इज़ बद्रीनाथ लोकेटेड? बद्रीनाथ टेम्पल जो है दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज़ रामेश्वर लोकेटेड? रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज़ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड पद्मनाभ लोकेटेड? तो ये दोस्तों केरला में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, लॉर्ड सोमनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो लॉर्ड सोमनाथ का जो टेम्पल है दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द टू हाउसेज ऑफ यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो आप देख सकते हैं कैसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दो अगर यूनियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की बात करी है तो लोकसभा और राज्यसभा ये दो हाउसेज जो है इंडिया में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज़ अ मनी बिल इंट्रोड्यूस? तो मनी बिल जो है दोस्तों ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही पुराने, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर उठाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको तब मिलेंगे, आज से कम 10 साल पुराने पेपरों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, इन विच स्टेट इज़ गिर नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड? तो गिर नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द सेंचुरी इन असम मेंट फॉर रेनोक्रोसिस? तो ये जो है दोस्तों खाजीरंगा नेशनल पार्क, इसका जो राइट आंसर रहेगा 23 का जो ऑप्शन है राइट ए आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्टेट सुंदरबन डेल्टा इज सिचुएटेड? तो ये दोस्तों वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। इसका जो राइट आंसर है सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच सिटी इज़ माँ कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड? तो ये दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि ये असम में स्थित है और गुवाहाटी में कामाख्या का टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों अगर बात की जाए, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ HP हाईकोर्ट होनेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अहमद मीर बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये दोस्तों पुलवामा से स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच चीफ जस्टिस ऑफ HP हाईकोर्ट वाज एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल चीफ ऑफ जस्टिस? तो इसमें दोस्तों हमें थोड़ा डाउट, अगर किसी को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो ये देखिए आप कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इसमें द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ टाइगर, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, द नेशनल एम्बलम इज़ डिजाइंड अडॉप्टेड फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट? तो ये दोस्तों जो है अशोक पिलर से लिया गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज़ द लॉर्ड ब्रह्मा जी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन इंडिया? तो लॉर्ड ब्रह्मा जी टेम्पल जो है ये पुष्कर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। तो ये स्लाइड्स हम लोग दोस्तों पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हुई है, तो इसको अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP रिवर्स रावी फ्लो? तो रावी रिवर जो है दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 37, कुल्लू इज़ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर? कुल्लू जो है कौन से बैंक ऑफ रिवर में, कुल्लू के पास कौन सी नदी बहती है? तो कुल्लू ब्यास नदी के पास स्थित है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज़ द महिमा लाइब्रेरी लोकेटेड? तो महिमा लाइब्रेरी आपको पता ही है दोस्तों ये नाहन में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। स्वां रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो स्वां रिवर जो है वो डिस्ट्रिक्ट उन्ना में बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं, वेयर इज़ अ गोविंद सागर लेक लोकेटेड? तो गोविंद सागर जो लेक है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, वट इज़ द नेम ऑफ स्टेट वर्ड ऑफ HP? स्टेट वर्ड जो है HP का उसका क्या नाम है? तो ये दोस्तों जुजुराना जो है ये स्टेट वर्ड ऑफ HP है। वट इज़ द नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ HP? अगर स्टेट एनिमल की बात की जाए तो स्टेट एनिमल यहाँ का स्नो लेपर्ड है। तो आप देख सकते हैं बड़े बेसिक से बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर अगर 58 की बात की जाए तो विच अब कंप्यूटर का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, विच स्टेटमेंट ट्रांसफर द पॉइंटर टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डाटा लिस्ट। तो ये दोस्तों इसमें जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए डाटा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर, इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, डाटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टेलीग्राफ लाइन यूजेस, तो डाटा कम्युनिकेशन जो है दोस्तों ये सिंप्लेक्स लाइन को यूज़ करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय, जो प्रोसेस होता है इनपुट टू आउटपुट वो किसके द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, तो ये सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, नॉर्मली सर्टिफाइज ए साइट ऑन द इंटरनेट एज ए सिक्योर साइट, तो जो सिक्योर साइट होती है दोस्तों SSL, आपको पता है कि सिक्योर बनाने के लिए आपको SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो शायद इसका आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं, स्टेट द वैलिड कंसोल कमांड, तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड सिंप्लेक्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा थोड़ा ब्लर ही है ये, सॉरी फॉर डाटा कि हमें पेपर यही मिला है तो इसलिए यही सॉल्व करना पड़ रहा है इसमें। अब हम लोग अगर बात की जाए कि कौन सा क्वेश्चन, अब 46 क्वेश्चन से देखते हैं, यहाँ से थोड़ा पता चल रहा है। और 45 की बात की जाए तो हिमाचल में नंबर ऑफ़ सीट्स पूछी गई असेंबली की कितनी है, तो नंबर ऑफ़ सीट्स की बात की जाए तो टोटल 68 विधानसभा की सीटें जैसे कि आपको पता ही है हिमाचल में है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, शायद सी में 68 बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं, तो हु वाज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो थे वो YS परमार जी थे। हु वाज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट गवर्नर की बात की जाए तो दोस्तों एस चक्रवर्ती जी हमारे हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर थे। होनेवर मिस्टर जस्टिस मेहरचंद महाजन बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, मेहरचंद महाजन जो थे दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से स्थित थे, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माता चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सब डिवीज़न ऑफ HP, तो ये दोस्तों अम्ब में सब डिवीज़न में स्थित है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता ज्वालाजी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सब डिवीज़न ऑफ HP, तो ये दोस्तों नदौन में स्थित है, जो इसकी सब डिवीज़न आती है नदौन आती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, तो विंडो जो है कि हार्डवेयर नहीं होती है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपको पता ही है ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, द कंप्यूटर कीबोर्ड इन इंग्लिश नॉर्मली यूजेस, जो कंप्यूटर कीबोर्ड होते हैं इंग्लिश में वो कौन से कंप्यूटर जो है इंग्लिश में नॉर्मल यूज़ करते हैं, किस बेस को यूज़ करते हैं, तो दोस्तों ये जो है क्वेट बेस होते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, 1 trillion ऑफ ए सेकेंड इज कॉल्ड, तो 1 trillion ऑफ ए सेकेंड इज कॉल्ड पिको सेकेंड, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स के ऊपर बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, टू रिकॉल ऑल द डिलीटेड रिकॉर्ड्स विच कमांड कैन वी यूज, तो इसके लिए हम सिंपली रिकॉल को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डैश वाज द प्रिकर्सर टू इंटरनेट एज वी नो इट टुडे, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अर्फानेट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, विच स्टेटमेंट ट्रांसफर द पॉइंटर टू द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द डाटा लिस्ट, डाटा लिस्ट की फर्स्ट ऊपर डाटा, इसका जो है राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, तो दोस्तों ये भी अब दोबारा फिर से रिपीट हो गया, ये भी हमने सॉल्व कर लिया हुआ है पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 से अब शुरू करते हैं, 65 और 66 भी थोड़ा ब्लर्ड है, तो इस वजह से हम लोग अब 67 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा जो है वो एक वेब ब्राउज़र है, तो फायरफॉक्स जो है दोस्तों ये एक वेब ब्राउज़र है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, द कंप्यूटर इज़ ए
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर, ना तो ये मैकेनिकल डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69, ए ग्रुप ऑफ करेक्टर डेट हैव ए प्री डिफाइंड मीनिंग इज कॉल्ड। तो ये 69 का जो आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन डी रहेगा, फाइल। क्वेश्चन नंबर 70, द डैश कंटेनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर लॉस्ट आफ्टर शट डाउन ऑफ द कंप्यूटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो मेमोरी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसी, तो पर्सनल कंप्यूटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं, शॉर्टकट डिलीट इज़ फॉर डिलीट समथिंग। राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी सी सॉरी क्वेश्चन नंबर 73, फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी रहेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 74, प्रोग्राम प्रोमिस्ड बाय द पब्लिशर बट नेवर रिलीज इज कॉल्ड वेपर वेयर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75, स्टेट डेट करेक्ट एक्सटर्नल कमांड इज कॉल्ड चेक डेस्क डॉट exe। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, ए क्लास कैन इनहेरिट इज कॉल्ड एनी नंबर ऑफ सुपर क्लासेस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर लाइकली टू बी एग्जीक्यूट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। तो कैलकुलेशन और कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो ये इसका जो राइट आंसर है ALU रहेगा, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, विच आर द कंट्रोल मेमोरी एंड थर्ड यूनिट्स ऑफ ए CPU। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 79 का वो डी रहेगा, इकोनॉमिक और लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 80, वट इज़ द लैंग्वेज ऑफन यूज बाय द चिल्ड्रन इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर ऑफन लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो लोगो की जाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। इसके पास दोस्तों मैथ का और रीजनिंग का सेक्शन शुरू हो जाता है, तो इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये तो था आज का JOE का पेपर, जो 18 अप्रैल 2021 में कनेक्ट कराया गया है HP हाई कोर्ट के द्वारा, यानी कि आज ही के दिन। तो सॉरी फॉर दोस्तों कि इसमें आपको थोड़ी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है हमें ठीक क्वालिटी का नहीं मिला है, तो इसके लिए हम लोग माफ़ी चाहते हैं। जैसे हमें और पेपर मिलेगा हम लोग आपको उसके साथ अपडेट करवाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।